हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी कम तेल में और चिकन को भी फेल करने वाली है। आप इसे एक टाइम ज़रूर बना के देखें, ये देखने में भी इतनी अच्छी है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मूंग की दाल, जिसे हम अच्छे तरीके से धो लेंगे पानी से और इसे 1 घंटे के करीब, हम इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे सोख होने के लिए। धोने से इसके ऊपर के सारे ड्रस्ट निकल जाते हैं। मूंग दाल में बहुत हाई प्रोटीन होता है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इसे अपने खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी दालों से ज़्यादा प्रोटीन इसी में मिलती है। आप दाल को अगर जल्दी भिगाना चाहते हैं तो आप इसमें ल्यूकवर्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी, आप इसमें डाल के रख दीजिए, ये जल्दी से फूल जाएंगे। अब हम दाल में पानी डालकर उसको साइड में रख देंगे फूलने के लिए। और यहाँ पर हम एक घिया लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया, मैंने उसके सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर से। देखिए हमारे सारे घी ग्रेट हो चुके हैं। और उसके बाद हम एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 चुटकी भर हींग, ऐसे डालकर हम हमारे ग्रेट किए हुए घी को इसमें भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। नमक डालने से इसका थोड़ा पानी बाहर आ जाएगा और ये जल्दी से, हम भूनने के टाइम पर इसके पानी जल्दी सूख जाएंगे। ऐसे भून के डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। ऐसे पका के डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो हम जब तक भूंगे देंगे जब तक इसके पानी, देखिए इसका ड्राई होने लग गया, हम इसे निकाल लेंगे। और अब देखते हैं हमारे दाल फूल चुके हैं, देखिए फूल गए हैं। अभी इसके बाद हम इसे पीस लेंगे, मिक्सी में आप उसे लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक 1 इंच का, 1/4 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च के दाने। अब हम इसे पीस लेंगे। आप इसे ज़्यादा महीन ना पीसें, थोड़ा सा दरदरा रहने दें। देख लीजिए हमारे सारे मिक्सचर पीस चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी कि खाने वाला सोडा। अब इससे ज़्यादा मत डालिएगा, सोडा डालने से थोड़े बैटर हल्के हो जाते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घिया, जो हमने पहले बना के रखा था। अब इसमें अच्छे से डाल के मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, हमने पहले से ही उसमें घी में नमक डाला था, तो आप उस हिसाब से ही कम ज़्यादा करिएगा। यहाँ पर मैंने प्लेट ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके बाद वो बैटर डालेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बैटर को अच्छे से पूरे प्लेट में फैला लें। यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है। उसके बाद हम इस पानी के इसमें स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर हम हमारा प्लेट रख देंगे। हम उसे 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बन चुका है। हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे काट लेंगे। आप इसे स्क्वायर पीसेस में काट लिए। यहाँ पर आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आपको घिया नहीं डालना है तो आप प्लेन भी ऐसे ही बना के आप इसे साइज की सब्जी बना सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अब हमें ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक जैसे हमने पीसेस करके डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 टमाटर, इसे ग्राइंड कर लें। अब एक पैन में तेल लेंगे, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी जो आप तेल यूज़ करते हैं वो आप वो ले सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 1 तेज़पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी, 1/4 चम्मच जीरा। अब इसके बाद हम डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, जैसे मैंने पहले से ही काट के रख लिया था। आप प्याज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही प्याज लिया हो मीडियम साइज़ के। अब इसे अच्छे तरीके से भून लें। प्याज को तब तक फ्राई करें जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। अब देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। कसूरी मेथी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे सारे सूखे मसाले। सबसे पहले हम लेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर धनिया पाउडर ज़्यादा लेना है। सूखा मसाला भूनते वक्त आपको फ्लेम को स्लो ही रखना है। अब इसमें डालें टमाटर की पेस्ट, जो हमने पीस के रखा था। वैसे अच्छे से चलाते रहें जब तक पैन तेल ना छोड़ दे। अब देख सकते हैं तेल साइड से निकल रहे हैं। इसे थोड़ी देर और भून लें। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है।
आपको अगर मेरा वीडियो कैसा लगा आप उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर में ही पीस के रखा था, आप चाहें तो आप बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा मिला लें। मैं यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला के हम इसे बॉईल पे लेके आएंगे, एक बॉईल पे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट मिक्सर कप में हमने दाल पीसा था, अब उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें इसको भी यूज़ कर लेंगे। इसे वेस्ट मत करिए। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए घी और मूंग के पकौड़े। आप इस पकौड़े को फ्राई करके भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी सीधे डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कम तेल वाले बना रहे हैं, इसके लिए हम इसमें इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने स्वादिष्ट होते हैं। इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि सब इसे पसंद करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।